पेंच क्षेत्र के परासिया कोयला खदान के कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक का कहना है कि वे लंबे समय से समस्याओं को लेकर प्रबंधन से गुहार लगाते आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एटक संगठन के पेंच एवं कनान क्षेत्र के महामंत्री रामकिरा यादव ने बताया कि लंबे समय से प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। गौरतलब है कि संघ ने केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुई में चिकित्सकों की कमी को दूर करने, क्षेत्र में हो रहे सिविल कार्यों में गड़बड़ी को दूर करने, कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध कराने, पानी की समुचित व्यवस्था करने, ठेका श्रमिकों को उचित वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य निधि की कटौती करने की मांग की है। द्वारा इन्हें अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण मजबूरी के बस हमको क्रमिक हड़ताल करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जो कई क्षेत्र के प्रबंधन है वो कामगारों के जो एसेंशियल इश्यूज हैं उन पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे रोड हो, चाहे कॉलोनियों में अच्छा पानी हो, चाहे मकान आवंटन हो। मकान आवंटन संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।